हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 2 को यहां पे सॉल्व करेंगे, जो प्रश्नावली नंबर 8A का है। फ्रेंड्स, इसके पहले इसका पार्ट 1 आपके लिए अपलोड किया गया है, जिसमें इसमें 8A के जो बेसिक फार्मूले होते हैं सभी आपको बताया गया है, उसमें प्रश्न नंबर 1 को भी सॉल्व करवाया गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, टेन A, कास C तथा काट C के मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन लगाने से पहले क्वेश्चन का तात्पर्य समझ में आना चाहिए, और उसमें सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए, और यदि आपको समकोण त्रिभुज बनाने आ रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने था जो अभी आपको बताए हैं। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करना है, सॉल्व करते समय कि देखिए कोण भी समकोण है, यानी कि यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए और इसका नामकरण देखिए कैसे किया जाता है। समकोण त्रिभुज बना लिए, जो कोण यानी कोण भी, देखिए यहाँ कोण भी दिया है कितना, समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश है। ठीक है, कोण भी कितना है 90, यानी कि यहाँ पे जो 90 अंश का होता है ये 90 अंश का होता है हमेशा, तो इसका नाम बी दीजिए। ठीक है, और देखिए क्या ज्ञात करना, ज्ञात ए करना यानी साइन ए टेन ए, तो ए ज्ञात करना है, यहाँ पे अपने मान से नाम ए दे दीजिए, यहाँ ए दे दीजिए यानी कि ए कोण हो गया, और जो शेष बच रहा है तो ए बी हो गया, यहाँ पे सी दे दीजिए। ठीक है, देखिए 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, कर्व होता है, ये बात पता होना चाहिए। देखिए, हम इस चीज़ को क्वेश्चन में लगाते समय आपको बार बार बताएंगे, इसलिए कि बेसिक चीज़ है। जो कोण होता है इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होता है, जिस पे कोण बना है उसको आधार कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपको दिया क्या क्या है, देखिए आपको दिया है AB बराबर 4, देखिए AB बराबर 4, तो AB क्या है, AB ये AB बराबर 4 दिया है। BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर, देखिए BC बराबर कितना दिया, BC बराबर 3 दिया है, BC बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। CA यानी कि CA लिखिए, CA बराबर कितना दिया, 5, यानी CA का मतलब हो गया ये 5 है। ठीक है, अब देखिए आपको तीनों भुजा यहाँ पे ज्ञात है, यदि तीनों भुजा जब आपको ज्ञात है तो यहाँ पे आपको समकोण यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब ज्ञात क्या करना है, देखिए A के हिसाब से बताना, ध्यान दीजिएगा, A के हिसाब से क्या ज्ञात करना है, साइन है, तो साइन A बराबर होता क्या है, देखिए साइन A, अब साइन A बराबर फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। देखिए साइन A बराबर यदि इसका पार्ट 1 देखे होंगे तो पार्ट 1 में सभी फार्मूले आपको बताएं, यहाँ पे साइन A बराबर, अब देखिए थीटा की जगह पे ABC कुछ हो सकता है, तो साइन थीटा पर लंब बटा के कर्ण, यहाँ फार्मूला क्या होगा कि लंब बटा के कर्ण। ठीक है, लंब बटा के कर्ण, तो देखिए लंब बटा के कर्ण, लंब कितना है 3 है, इसका लंब 3 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 5 लिख दीजिए, ये हो गया आपका। ठीक, अब इसके बाद देखिए साइन ए ज्ञात कर लिए, अब क्या ज्ञात करना है, टेन है, तो टेन ए बराबर क्या है, फार्मूला बस पता होना चाहिए। देखिए टेन ए बराबर फार्मूला दिखा देते हैं, यानी टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार है, यहाँ पे देखिए कि टेन थीटा बराबर लंब बटा के आधार है, तो लंब बटा के आधार यहाँ पे लिखिए, क्या लिखेंगे, लंब बटा के आधार, लंब बटा के यहाँ आधार लिख लिए, तो लंब कितना है, लंब 3 है, आधार कितना है 4 है, तो 4 लिख दीजिए। चलिए देखिए ये आपका आंसर है, यानी कि साइन ए और टेन ए का मान हम ज्ञात कर, साइन ए टेन ए का मान ज्ञात कर लीजिए। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अब ज्ञात करना है कास सी काट सी, अब जब कास सी और काट सी ज्ञात करना है तो इसके लिए अलग से त्रिभुज एक बनाइए। ठीक है, अलग से त्रिभुज एक बना लीजिए, देखिए ये कितना है 90 अंश होता है, तो ये 90 अंश का मतलब हो गया कि ये कोण बी दिया है ना, कि कोण बी बराबर समकोण है, तो यहाँ बी दे दीजिए।
ठीक बी दे दिए। अब देखिए यहाँ पे कास सी यानी कि कोड़ के ठीठा के रूप में सी दिया है, यहाँ भी सी दिया है, तो सी दिया तो सी नाम। अब यहाँ देखिए पहले दिया था ए तो यहाँ पे ए लिए थे, अब यहाँ पे सी दिया है तो यहाँ पे सी ले रहे हैं। इसके अलावा जो शेष बच रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए ये हमेशा नब्बे अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण लिखिए। अब ठीठा ये है तो ठीठा के हिसाब से ये लंब हुआ आपका, और जिस पर यह कोण बना है वो आधार हो गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। देखिए दिया है ए बी बराबर, कितना दिया है कि ए बी बराबर पाँच, तो देखिए ए बी नहीं सॉरी दोस्तों ए बी बराबर चार दिया है, तो ए बी बराबर चार लिखिए। देखिए अब ए बी कहाँ है, ए बी है, ए बी बराबर चार लिख लीजिए। बी सी बराबर कितना दिया है, बी सी बराबर तीन दिया है, तो बी सी बराबर यहाँ तीन लीजिए। देखिए बी सी बराबर तीन, तो बी सी बराबर ये तीन हो गया आपका। सी ए कहाँ है, सी ए बराबर दिया है पाँच, तो यहाँ सी ए बराबर पाँच ले दीजिए। तीनों भुजा ज्ञात है, जब तीनों भुजा ज्ञात है तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ज्ञात क्या करना है, देखिए आपको कास सी ज्ञात करना है। तो कास सी बराबर फार्मूला क्या होता है, कास सी बराबर होता है देखिए कास, अब थीटा की जगह सी लिया है तो थीटा की जगह का है, यहाँ थीटा की जगह पर सी लिया तो कास सी बराबर आधार बटा कर, देखिए आधार बटा कर, तो यहाँ आधार बटा कर लिखिए, आधार अपान क्या है, आधार अपान कर्ण। देखिए अब आधार कितना दिया है, आधार अब यहाँ पे तीन दिया है, कर्ण कितना दिया है पाँच है, तो कर्ण पाँच, ये आपका पता चल गया कि ये आंसर है। चलिए अब यहाँ पे काट सी ज्ञात करना है, तो काट सी बराबर क्या होता है, देखिए काट सी, काट सी बराबर फार्मूला देखिए टेन का अपोजिट होता है, काट सी बराबर आधार बटा के लंब, यहाँ लिखिए आधार बटा के लंब लिख लीजिए, आधार अपन लंब। चलिए आधार देखिए कितना, आधार तीन दिया है तो तीन लिखिए यहाँ पे, लंब कितना है, लंब चार है तो चार लिख लीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स इस तरीका से यहाँ पे आपको सिंपल तरीका से बताएं, इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।